आ जाओ इधर। दोनों उड़ गए। इन दोनों को गर्मी बहुत लगती है भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु माय टू फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अच्छा जी, तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं रोज़ घर दिखा रही हूँ और घर अभी तक मेरा सेट नहीं हुआ है। मतलब सिर्फ सारा ये ना कि मेरा पूरा फर्नीचर जो है ना, पूरा फर्नीचर अभी तक आया नहीं है घर के अंदर, क्योंकि ऊपर ही अम्मी की घर पर है और इनको टाइम नहीं मिल रहा है कि फर्नीचर लेकर आए नीचे, क्योंकि थक इतने जाते हैं ये जॉब से, तो फिर उसके बाद इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है तो रात में के लेकर आ जाएं, तो बस इसलिए ये ला नहीं सक रहे हैं। तभी मेरा घर थोड़ा सा अधूरा पड़ा हुआ है, सामान इधर उधर रखा हुआ है, तो अभी तक मेरा पूरा सेटअप सही से नहीं हुआ सामान का। अच्छा जी, तो बस ये था कि ना कल का व्लॉग मैंने वहीं पे एंड किया था जहाँ पर मैं कपड़े धो रही थी, तो बस उसके बाद से वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। अच्छा जी, तो बस ये देखिए मेरी आँखों में पता नहीं क्या हो रहा है, दोनों आँखों पे सुबह से ना बहुत ज़्यादा ना ख़ारिश हो रहा है आँखों पे, और मसले जा रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। इस वाले आँखों में भी खैर चलता है। अच्छा जी, तो बस ये कि सुबह सुबह अगर एक कप चाय मिल जाए ना, तो बस ये होता है कि दिन बिल्कुल आराम से कट जाता है, बिल्कुल आराम से होता है, मतलब सही रहता है दिन। अच्छा, तो ये देखिए अभी मैं आपको ये दिखाई थी जो मैंने बनाया था ना पैंट का, ये तो मैंने इसको वॉश करके इस कूलर के ऊपर ही रख दिया है अभी, क्योंकि इसलिए रख दिया है ताकि सूख जाए, क्योंकि अभी जो है ना गैली में भी जो है ना मालकिनी में अभी तक रस्सी नहीं लगा है और मेरे सारे कपड़े ऐसे रखे हैं, मुझे टेंशन है कि कहीं कपड़ों में से स्मेल ना आ जाए, तो बस इसलिए मैं वो करने जाऊंगी सबसे पहले तो उसका सेट करूंगी। और बस यहाँ पे जो है मैं अभी चाय पी के हटी हूँ, तो बस अब मैं ये चाय का ये धो दूँगी और अभी हाथ के हाथ इसको धोऊँगी जहाँ से मैंने व्लॉग छोड़ा था, तो बस मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे आलू कीमा बनाया था, तो बस इसको मैंने जल्दी जल्दी गर्म करने के लिए रख दिया, कहीं गैस ना चले जाए, क्योंकि गैस चल जाएगी। और ऊपर यहाँ पे जल्दी जल्दी में ये मैंने चम्मच इसके ऊपर रख दिया, जबकि मैं इसके ऊपर नहीं रखती हूँ, ये देखिए मैं इस पर रखती हूँ तो गंदा हो गया। तो बस यहाँ पर मैंने चाय उठाया और बस चाय गर्म करके पीने लग गई हूँ। अभी साथ साथ कपड़े भी धुल लेते हैं, तो बस थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो रही थी घर के अंदर, तो इस वजह से मैंने चाय भी बना के पी लिया हाथ के हाथ। तो बस यहाँ पर घर साफ़ सुथरा करके, फिनाइल का पोछा लगा के और पूरा नीट एंड क्लीन करके मैंने घर बिल्कुल साफ़ कर दिया और बच्चों को सुला दिया, ताकि बच्चे सोएंगे तो मैं काम कर सकूँगी। और ये देखिए इन दोनों को मैंने सुला दिया है और मज़े से दोनों सो रही हैं। बस मैं ये दुआ कर रही थी कि इन दोनों के उठने से पहले पहले ना मेरा घर का सारा काम हो जाए, मतलब घर का काम तो हो गया था, बस मतलब कि कपड़े धुल जाएँ। तो ये देखिए घर तो पूरा साफ़ क्लीन हो गया है, और ये देखिए मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ साथ साथ, और यहाँ पे मेरे सारे कुर्सियों पे जो भी कपड़े रखे हुए, तकिया रखा हुआ है, चादर रखा हुआ है, सब धुल गया है, और साथ साथ बालकनी भी साफ़ है। मैं साथ साथ बालकनी भी साफ़ करते रहती हूँ, तो वॉशिंग एरिया भी एक तरफ से बना हुआ है और बालकनी भी बना हुआ है, तो बस इस वजह से मैं दोनों ही कह देती हूँ। और अभी तक बच्चों के कपड़े भी सेट नहीं हुए, इस टोकरी को मुझे उठा के एक अलमारी में रखा है, लेकिन अलमारी में मैंने अभी फ़िलहाल बिगड़ रही हूँ, कुछ चीज़ें रखी हुई हैं एक पट में, जिस वजह से मैं नहीं रख सकती हूँ फिलहाल, जब बिगड़ रहा है तो देखा जाएगा। तो बस यहाँ देखिए मैंने सारे तकिए धो दिए हैं बच्चों के भी, और जो जो बच्चे सोते हैं जिन तकियों पर, वो सारे धो दिए हैं, और साथ साथ चादरें भी धो दी हैं, सारे कपड़े लगे हाथ धो दिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने मशीन लगाया था, धो के डाल दे रही थी ना, और अभी तक यहाँ पे रस्सी नहीं लगा हुआ है, तो बस मैं इनसे बोल रही हूँ कि रस्सी लगा दें यार, अरगंडी भी कहते हैं, रस्सी भी कहते हैं, तो बस मैंने कहा कि लगा दें, तो बस मैंने पूरे घर को अंधेरा करा हुआ था कि बच्चे ना उठ जाओ, यहाँ किचन लगे कितना नीट एंड क्लीन है, और धीमी धीमी से आँच आ रही थी, तो बस मैंने उस पर ही सालन गर्म होने के लिए रख दिया। मैंने कहा सालन गर्म हो जाए ना, ताकि फिर उसके बाद ये ना कि ना ये आएँगे 12 बजे तक, तो बस ये खाना खा लेंगे तो गरम गरम सा रहेगा, तो बस इस वजह से। अच्छा जी, तो बस ये देखिए मैंने साथ साथ लगे हाथ किचन भी साफ़ करती हूँ, मतलब किचन की टाइल सारा साफ़ लाजमी करती हूँ, रोज़ का ये तो मेरा काम है। और ये कचरे का मैं कचरे रखती हूँ ना, मतलब साथ साथ एक शॉपर रखी हुई होती, तो कचरा उठा के इसमें ही डालती रहती हूँ मैं,
तो बस इस वजह से मैंने एक साथ शॉप पर रखती हूँ, फिर जब घर जाता है तो मैं उठा के बाहर डस्टबिन में डाल देती हूँ, तो पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया। मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा ये बनाया हुआ ट्रिक जो है ना, मतलब जो पैंट से बनाया था मैंने, वो बहुत अच्छे से रखा हुआ है और गंदा भी नहीं होता इससे किचन। अब ये हुमायूँ बार बार अपना ब्रश करती हूँ, यहाँ पर ला के रख देती हूँ। तो बस मैंने हुमायूँ को आज बोला है कि हमारे साहब ना ब्रश करने बस मम्मा को दिया था, मम्मा आप खुद जाके रखा करेंगी वॉशरूम में, मतलब जहाँ पे ब्रश की जगह है, क्योंकि वो ऊपर है ना तो उसका हाथ ही जाता है, उसका वो रख नहीं सकती। तो बस मैंने यहाँ पे चाय भी फिनिश कर ली थी, तो बस हाथ के हाथ बस एक खंगाल दिया, तो इतना गंदा कप नहीं था, बस एक खंगाल दिया, कोई साबुन वाबुन नहीं लगाया मैंने, बस उसे खंगाल के और बेसन आगे दी से पानी मार के इसको मैं रख दिया, ताकि जब तक पानी निकलेगा तो उसके बाद इसकी जगह इसकी जगह पे रखूँगी। अच्छा मैं एक टोकरी रखती हूँ साथ में, ताकि ना ये बर्तन धो धो के वॉश कर करके मैंने इस टोकरी में रखते रहती हूँ, ताकि ना पानी इतने ही गिरता रहे, फिर जब पानी सारा निकल जाता है बर्तन से तो ही मैं इनके अपनी जगह पर रखती हूँ। अच्छा लगे हाथ ये होता ना, कभी कभी मैं काम कर रही होती ना, नल खुला हुआ होता है, तो बस मैं वहीं से नल से ही पानी पी लेती हूँ। चलने लगी है। दिन का कितना इंतजार किया था ना हम लोगों ने। चल ना बच्चा, इरा नाना बाबा, इरा नाना बाबा, पन्नू ओए किरी ओए, ओ पन्नू और ये हमारा मज़ेदार सा आलू कीमा तैयार हो गया है, और बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का था, यम्मी था। तो बस मैंने बनाया था इसको, पहले तो रोटी के साथ बनाया था, फिर उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि ना मेरा पेट भरा हुआ है, तो मैं काम करो इसको रख दो। और वैसे भी इन्होंने अच्छा खासा माशाल्लाह से खा लिया था, क्योंकि इनको मज़े का लग रहा था, तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि रख दो, बाकी मैं अब सुबह के नाश्ते में खाऊँगा। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैं तहज्जुद का वक्त हो गया है, और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए मैं खड़ी हुई थी, तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते फिर लाइट चले गई, और फिर ये देखिए नमाज़, इन दोनों ने मुझे तंग करके रखा हुआ है रात के टाइम, वो भी जब लाइट गई दोनों की दोनों उड़ गई। इन दोनों को गर्मी बहुत लगती है भाई, और देखिए किस तरीके से खेल रही दोनों, और यहाँ पे देखिए लाइट गई हुई, और यहाँ पूरा चादर बिखराया हुआ है इसके बाबा ने, यहाँ पे इसके बाबा तो सो रहे हैं, और ये हुमायूँ है, ये इरा है, और ये इन लोगों ने यहाँ पे चादर फैलाया हुआ है, क्योंकि इसको सोना नहीं होता और इसके बाबा को सोना नहीं होता चादर में। तो ये देखें इनका निन्नू नहीं आ रही है, देखिए बस बुला रही बहन को कि आ जाओ खेलने के लिए। अच्छा जी, तो बस यहाँ पे सुबह होने का टाइम हो गया है, और ये देखिए हल्की हल्की रोशनी आ गई है, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई है। लो भाई लाइट आ गई, और यहाँ पे सुबह भी हो गया पूरे तरीके से, नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये देखिए यहाँ पे आपको मैं बाइकें दिखा रही हूँ, अभी किस कदर यहाँ पे बिल्कुल बाइकें खड़ी होती हैं, और सुबह सुबह का वक्त हो रहा है, कबूतर बेचारे सारे ऊपर आ गए, आके बैठने शुरू हो गए। अच्छा जी, तो बस यहाँ पे मैं लग गई काम में सुबह सुबह, रात भर की मैं सोई भी नहीं थी, लेकिन मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और लाइट आई थी अब तो। बस मैं फिर आई, मैंने इनसे पूछा कि आप नाश्ता करेंगी क्या, तो उन्होंने कहा हाँ एक काम करो कि ना चावल को ना बॉईल कर दो। तो बस मैंने कहा पराठा बना देती हूँ कि मालूम सब, तो पराठा भी अच्छा लगेगा, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे दिल कर रहा है चावल के साथ खाने का सुबह सुबह। तो बस मैं यहाँ पे इनके लिए एक तरफ चावल चढ़ा दिया, और फिर चाय बना दिया, और फिर फटाफट से मैंने सालन भी गर्म कर दिया, और फिर हाथ के हाथ मैं यहाँ पर साथ साथ जो है साफ भी करते जा रही थी, मतलब एक दफ़ा कपड़ा मारते जा रही थी पूरे काउंटर पे, पूरे स्लेब पे, ताकि ना ये गंदगी ना रहे, मतलब जो भी रात भर अगर रात में मतलब कि काकरोच वगैरह हो या कोई भी कीड़े मकोड़े चलते हैं, चूटी चलती है, तो बस वो साफ़ हो जाए। तो फिर मैंने अपने लिए कड़क बन निकाला और कड़क बन खाना शुरू कर दिया चाय के साथ। और यहाँ पे इरा को देखिए इस तरीके से सो रही है, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने टेंशन है, और ये एक दफ़ा ना कल ना गिर भी चुकी है ना बेड से, सोते सोते धड़म करके एकदम गिरी है ना,
तो बस ये इनको देखिए किस तरीके से हो रही है, ऐसा लग रहा सारे टेंशन, पूरे मुल्क का टेंशन, सारे बिजली गैस पानी सब चीज़ों का टेंशन, घर का टेंशन इनको है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ जो मेरे चैनल पर न्यू है लाजमी सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वो लाइक कर देगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर देगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।